सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूँ ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में जान लें। तो दोस्तों यह सिरप आपको 45 से 55 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। इस सिरप में आपको ओफ्लोक्सासिन 100 mg तथा मेट्रोनिडाजोल 200 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है O2 सिरप। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में बैक्टीरियल संक्रमण हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पेट में इन्फेक्शन हो गया हो उसको ठीक किया जाता है। बच्चे के मल से खून आता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। दांत दर्द करता हो उसको ठीक किया जाता है। पेट में ऐंठन हो और दस्त होता हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। मुंह में इन्फेक्शन हो और मसूड़ों से खून आता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। पेचिश या दस्त पर हो रहा हो उसको ठीक किया जाता है। बच्चे के पेशाब में इन्फेक्शन हो उसमें इस सिरप का प्रयोग करते हैं। बच्चे के कान में संक्रमण हो गया हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड बुखार हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। डायरिया या अमीबीय पेचिश पड़ रहा हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चे के पेशाब में इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। इस सिरप को हम अपने बच्चों में 10 से 15 mg प्रति kg के हिसाब से देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मुंह सूखने लगता है, त्वचा में जलन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, भूख कम लग सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में लीवर में इन्फेक्शन हो, हृदय रोगी हो, कैल्शियम की कमी हो, शुगर हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।